जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने एक माह से फरार चल रहे आरोपी सोनू केवट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सोनू की तलाश पिछले कई दिनों से थी। आज जब सोनू अपने घर पर था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोनू के पास से देसी शराब के दर्जनों पाव भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि एक माह पूर्व सूचना मिली थी कि सोनू अवैध शराब बेचने का कार्य कर रहा है। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो वह मौका देखकर फरार हो गया। फरार होने के बाद से पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सोनू पर थाना संजीवनी नगर और गढ़ा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब एक माह पहले सूचना मिली थी कि सोनू केवट शाही नाका में मीठी कुआ के पास भारी मात्रा में शराब रखे अपने घर के पीछे, जिसे स्टाफ के साथ जाकर दबिश दी गई तो उसके घर के पीछे खुली जगह में करीब 350 पाव देसी और लाल मसाला पाव रखे मिला था, जिसे जब्त किया था। आरोपी सोनू केवट मौका से पीछे खुली जगह होने से फरार हो गया था, भाग गया था, उस समय नहीं मिल पाया था। करीब एक माह से उसकी तलाश लगातार कर रहे थे। आज वह मिल गया, सूचना मिली थी कि वहाँ पर है, तो जाके पकड़े उसको और न्यायालय में पेश किया है, जहाँ से जेल वारंट बनने के बाद जेल चला गया। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया और क्या नाम? आरोपी को आज आरोपी का नाम सोनू केवट, पिता का नाम स्वर्गीय दानपति केवट, उम्र 26 वर्ष, निवासी शाही नाका, थाना गढ़ा का निवासी है। उसको अपने घर के पास से ही गिरफ्तार किया है शाही नाका से। पुराने अपराध हैं, संजीव नगर थाने में भी शराब के केस हैं, सट्टा के भी केस हैं और थाना गढ़ा में भी है उसके केस। मेरा नाम ASI हरगोविंद पटेल, थाना गढ़ा।